हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023-24 जो कि क्लास सिक्स के लिए होने वाली है। जो बच्चे कक्षा पाँच में पढ़ रहे हैं वो बच्चे अब ये परीक्षा देंगे और क्लास सिक्स में अपना एडमिशन लेंगे, जिसकी परीक्षा 18 दिसंबर को होगी। इस परीक्षा की तैयारी बच्चे जोर शोर से कर रहे हैं, तो आइए आज हम यहाँ पर गणित के क्वेश्चन लेकर के आए हों जिसमें 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है आपके सामने 21। 1, 0, 4, 8 और 3 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो जब भी सबसे बड़ी संख्या बनाने की बात आती है तो सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखा जाता है, तो यहाँ पर सबसे अगर बड़ा अंक देखा जाए वो आपका 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिख लेंगे। उससे छोटा 4 है, उससे छोटा 3 है, उससे छोटा 1 और फिर 0 है, तो कुल मिला के आपका 84,310 संख्या बनेगी जो कि सबसे छोटी होगी, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रही है, तो यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ जिसमें 22 से 26 तक प्रश्न दिए गए हैं और एक प्रश्न मतलब बड़ा सा दिया गया जिस पर आधारित कई प्रश्न आपको करने होंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं कि एक दर्जन केले का मूल्य 96 रुपये है। मनीष ने 6 केले खरीदे, सौरभ ने मनीष से 2 गुने केले खरीदे तथा विमल ने मनीष से 1.5 केले खरीदे, तो दिए गए आंकड़ों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं, एक दर्जन में कितने केले होंगे? तो एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो इसका मतलब एक दर्जन में 12 केले हो जाएंगे। अब अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा मनीष ने कितने रुपए के केले खरीदे, तो सबसे पहले मनीष की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो चूंकि मनीष ने आपके सामने देखिए 6 केले खरीदे हैं, तो मनीष ने अगर 6 केले खरीदे और एक दर्जन का मूल्य 96 रुपये, तो 12 वस्तुओं का मूल्य या 12 केलों का मूल्य 96 रुपये, तो एक का हो जाएगा 96/12, 12 × 1 = 96, यानी एक केले का जो मूल्य होगा वो 8 रुपये के बराबर होगा। तो हमने पहले मनीष ने कितने 6 केले खरीदे, तो 6 × 8, चूँकि एक केला 8 रुपये का, तो 8 × 6 = 48। सिंपल सी बात है कि वो 48 रुपये केलों पर खर्च करेगा जो कि ऑप्शन सी में सही है। अगला प्रश्न है, सौरभ ने कितने रुपए के केले खरीदे? अब हम सौरभ की बात करेंगे, सौरभ ने आखिर केले खरीदे कितने? सौरभ ने मनीष से 2 गुने, चूंकि मनीष अभी भी देख चुके हो मनीष ने 6 खरीदे, तो 6 का 2 गुना होता है भाई 12, तो 12 केले किसने खरीदे हैं? आपको मनीष ने। और चूंकि 12 केले बराबर एक दर्जन होता है और एक दर्जन का मूल्य है 96 रुपये, इसका मतलब उसने 96 रुपये के केले खरीदे हैं, किसने? जो है आपका सौरभ ने। तो सौरभ का आंसर जो यहाँ से 24वां प्रश्न होगा वो ए आ जाएगा। फिर विमल ने कितने रुपए के केले खरीदे? अब बात करेंगे विमल आखिर जो है उसने कितने केले खरीदे। विमल ने मनीष से आधे, तो मनीष ने कितने खरीदे थे? 6, तो 6 का आधा होता है 3, और 3 और 1 केले का मूल्य है 8 रुपये, तो 8 × 3 = 24 रुपये, तो कुल मिला के जो विमल है वो यहाँ पर आपको 24 रुपये के केले यहाँ पर खरीदेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सौरभ और मनीष के द्वारा केलों के मूल्य का अंतर क्या होगा? अभी आपने देखा था जो सौरभ थे उसने एक दर्जन केला खरीदा था यानी 96 रुपये के, और जो दूसरे व्यक्ति थे आपके ये मनीष, और मनीष का मैं इसके पहले भी निकाल चुका हूँ, मनीष जो है कितने केले खरीदे थे? 48 रुपये के खरीदे थे। दोनों का अंतर पूछ रहा, तो आप इन दोनों को जब घटा देंगे 96 - 48 तो आ जाएगा 48, यानी दोनों में जो रुपयों का अंतर होगा वो हो जाएगा 48। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 27 और 28, इसी पर है। एक वस्तु 600 रुपये में खरीदी जाती है और 780 रुपये में बेची जाती है, उपयुक्त आंकड़े पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दी लाभ होगा। अब आप देखिए यहाँ पर इसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब होता है खरीद मूल्य, तो इसने 600 रुपये खरीदा है और जो विक्रय इसका मूल्य है कितने बेचा, स्वाभाविक सी बात है 780 रुपये बेचा, तो इसको लाभ ही होगा, यानी 780 का बेच दिया और इसने 600 का खरीदा, दोनों का अगर हम अंतर करेंगे तो 180 रुपये, इसका मतलब इसको
180 रुपये का लाभ होगा। तो यानी ऑप्शन यहाँ से आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। यहाँ पर प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो आपने देखा था क्रय मूल्य 600 रुपये था और लाभ उसने 180 रुपये कमाया था। तो ये प्रतिशत लाभ बराबर होता है, लाभ कितना है 180, क्रय मूल्य कितना था 600 रुपये इंटू 100। तो आप यहाँ से दो जीरो काट देंगे, ये दो जीरो काट देंगे, 6 कम 6 3 18, कुल मिला के 30% का उसको लाभ हुआ है। तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 12 और 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो मैंने लघुत्तम समापवर्त के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, इसके मैंने वीडियो भी बनाया, अगर नहीं आपने देखा तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा। तो जब तीन संख्याएं आपके पास अगर 12 हैं, 24 और 36 का जब आपको एलसीएम निकालना हो, लघुत्तम समापवर्त निकाल, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें जो उसे चूज कर लीजिए 36। अब देखिए 36 का जो टेबल इसमें नहीं आता है, 24 का नहीं आता, तो इसको हम दूना कर देंगे, 36 दूना 72, 72 में 12 भी आता है, 24 भी आता है और 36 भी आता, तो इसका मतलब आप इसका जो एलसीएम होगा वो 72 हो जाएगा। अगला आपके पास प्रश्न 14 × 14, 14 को दो बार गुणा करोगे तो होता है 14 × 14 = 196 प्लस 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 बराबर होता है 144। जैसे इसको आप जोड़ेंगे तो 9 × 13 = 14 × 2 = 340, तो 340 ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, भिन्न के रूप में पूछ रहा है दशमलव को, तो देखिए 0.025, जब भी किसी को हम इसका जब पॉइंट हटाते हैं उसके नीचे एक लिखते हैं और जितने अंक हों 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो 3 जीरो हम बढ़ा लेंगे, तो अब हमारी ये भिन्न बन जाएगी 25/1000, 25 × 25 = 100, अर्थात 1/40, यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा सा आपके लिए कठिन लग सकता है। 6 व्यक्ति किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं, तो 3 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? आप ऐसे समझ सकते हैं, जब 6 व्यक्ति 3 दिन में करते हैं, आदमी आपने आधे कर दिए तो दिन आपके दोगुने लगेंगे, तो 3 × 2 = 6। अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते तो आप दूसरे तरीके से लगा सकते हो कि 6 व्यक्ति एक कार्य को करने में लेते हैं 3 दिन, अगर आपको काम ही एक ही व्यक्ति करता तो इसको 6 गुना टाइम ज़्यादा लगता, यानी तो 6 × 3 = 18 दिन लगते। अब अगर 3 व्यक्तियों से कराना है तो तिहाई काम हो जाएगा, 3 × 3 = 18, तब भी आपका 6 ही आएगा। जो आप चाहें उससे आप इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से इसे कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसी धन के 10% का मान 1200 है तो वो धन क्या होगा? अब आप देखिए, कोई धन मान लेते हैं, कोई धन आपके पास है X, उसका 10% ये बराबर है 1200 के, तो ये हो जाएगा X इंटू गुणा कर देंगे 10/100 = 1200, 1 0 1 0 कट गया, तो ये हो गया X/10 = 1200, तिरछी गुणा कर देंगे X 1 X = 1200 × 10 करोगे, 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी 12000। तो इसका मतलब यहाँ से 12000 देखिए 33 में हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। 3^4 - 80 का मान क्या होगा? अब हम 3 को 4 बार गुणा करना, जो पावर होती है इसको -80, तो 3 × 3 = 9 × 3 = 27 × 81 81 - 80 = 1 होगा, तो ऑप्शन ए यहां से हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 1 घोड़े को 800 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? अब आप यहां पर देख रहे हैं 25% अधिक अगर हम बेचते हैं, यानी 100 वाली चीज़ 125 की अगर हम बेचते हैं, तो ये पूछ रहा है कि अगर 800 रुपये में किसी चीज़ को बेचने पर उसको 25% लाभ हुआ हो तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? इसके लिए हम क्या करें, हम ये दिखाएं कि भाई हम 100 वाली जो चीज़ थी उसमें हम 25% लाभ लेते, यानी 125 की बेच रहे हैं, इसका ये मतलब 125 वाली वस्तु जिसका विक्रय मूल्य 125 है
उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है, अगर 1 रुपये विक्रय मूल्य होता तो ये 100/125, इसलिए जो घोड़ा है वो हमने 800 रुपये का बेचा है, तो 800 वाले का क्रय मूल्य क्या होगा। अब आप 25 से काट देंगे, 25 पंजे 125, 25 चक्कू 100, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 16 चक्कू 64, यानी 640। यानी उसकी रियल जो कीमत होगी वो 640 रुपये होगी, यानी जो 640 रुपये है ये उस घोड़े का क्रय मूल्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 300 रुपये का 3% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो चूंकि आपको फार्मूला पता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन दर इंटू समय इंटू बटे 100। तो मूलधन आपका है 300 रुपये, दर है 3, समय है 1 साल बटे 100, 2 जीरो कट जाएंगे, 3 3 9 9 1 9, यानी उसे 9 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। तो 36 का यहाँ से ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 30 मीटर चौड़ाई 10 मीटर तो उस भाग का परिमाप क्या होगा। तो ये आपकी 30 है और ये 10 है, तो किसी भी आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आपने देखा तो यहाँ 2 लंबाई हो गई 30, 10 धन, तो ये 30 और ये 10 40, तो 40 इंटू 2 बराबर 80, यानी उसका जो परिमाप है यानी चारों तरफ, ये आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो देखिए 80 आपका ऑप्शन बी में मिल रहा है। अगला प्रश्न है, 60 अंश का कोण किस प्रकार का है। तो चूंकि 0 अंश से बड़े और 90 अंश से छोटे सभी कोणों को न्यून कोण के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा न्यून कोण, और 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, और 90 अंश से अधिक 180 अंश से छोटे कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं, और 180 अंश से बड़े 360 से छोटे इसे हम लोग बृहत कोण कहते हैं, और 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, किसी भी त्रिभुज में जब आप देखोगे 1 2 3, यानी 3 भुजाएं होती हैं और इसके अंदर 3 ही कोण होते हैं, ये हमें याद रखना है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटा जो है 60 मिनट का होता है, ये भी सही है। अगला एक छोटी सी एक आपके सामने संक्रिया करनी है, 40, फिर उसको भाग दिया गया है 4 से प्लस 3, तो 4 एकम 4, तो हो जाएगा 30 + 10 + 3, 30 10 40 और 3 43, यानी 43, यानी ऑप्शन डी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, सभी को पता है, और किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, इसको आप लिख सकते हो भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा की घात 2, तो 43 यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, 1 घन की एक कोर, कोर जिस कोर माने होता है भुजा, 5 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। तो जो घन का आयतन होता है इसका फार्मूला होता है भुजा की घात 3, 5 घात 3, 5 को 3 बार आप गुणा कर देंगे, तो 5 25 25 5 125 घन सेंटीमीटर, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अब आपके सामने है कि दशमलव का जोड़ आप कैसे करते हैं, तो आप इसे 0.462, 0.364, 0.24, अब आप इनको ऐड करना है, जैसे ही आप इसको ऐड करोगे 6 6 12 6 16 4 3 7 2 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 1.066, आप इसको डेसिमल के नीचे डेसिमल रख करके जोड़ देना था। इसके बाद है, कपिल का ऑफिस 10 बजे खुलता है और शाम 4 बजे बंद होता है, कपिल ऑफिस में कितने समय कार्य करता है। तो पहले 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपके 2 घंटे हुए, फिर 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक ये 4 घंटे हुए, तो ऑफिस में कुल मिला के
जो कुल जो समय व्यतीत करता है अपने ऑफिस में वो होंगे 6 घंटे। ये आपके जरूर समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, एक मैदान 80 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है, तो मैदान के चारों ओर कितना तार लगेगा, यानी ये मैदान का परिमाप ही पूछ रहा है। तो आप परिमाप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, लंबाई इसकी है 80, चौड़ाई है 60, तो इसका परिमाप होता है आयत का 2, लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई इसकी है 80 प्लस चौड़ाई है 60, और 8 × 6 = 14, तो हो जाएगा 2 × 140, 14 × 2 = 28, यानी 280 मीटर का जो है तार आपका लगेगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रहा होगा। अगला अगर हम प्रश्न देखें तो काफ़ी सरल प्रश्न है, राजेश के पास 3000 रुपये हैं, यानी इसके पास 3000 रुपये थे, उसने 750 रुपये का पनीर और 1250 रुपये का अन्य सामान खरीदा, तो उसके पास कुल कितने पैसे शेष बचे। तो हमने देखिए 1250 रुपये का कुछ सामान खरीदा और 750 रुपये पनीर, तो कुल मिला के हमारे पास कितने पैसे खर्च हुए, इसकी हम जानकारी यहाँ से कर लेंगे। यानी हमने टोटल जो है 2000 रुपये खर्च कर दिए हैं और 3000 रुपये हम लेकर के मार्केट गए थे, तो हमारे पास कितना पैसा बचा होगा, केवल 1000, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 6 × 10000 प्लस 0 × 1000 प्लस 3 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 5 × 1। तो सबसे पहले आपको बता दूं, 0 से किसी को भी गुणा करते हैं उसकी वैल्यू 0 ही आती है, तो ये दोनों टर्म आपके 0 हो जाएंगे। 10000 को 6 से आप गुणा करोगे तो ये आपका 60000 आएगा, तो मैंने 60000 लिख लेंगे। प्लस अब 100 को 300 से करोगे 300 आ जाएगा, और 5 को 1 से करोगे 5 रुपये आ जाएगा, तो 60305, यानी इसको जोड़ोगे 60305 ये बन जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न है, 100 और 10 का अनुपात क्या होगा, तो हम 100 लिख देंगे, अनुपात 10, अनुपात का मतलब बटे होता है, तो हम बटे कर देंगे, 1 0 1 0 कट जाएगा, ये 10/1 आएगा। इसे सिंपल भाषा में 10:1 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करें, 2322 को 9 से अगर भाग किया जाए तो कितना आएगा, तो 23 आप यहाँ लिख लेंगे, 2322 को 9 से अगर आप, तो 9 × 2 = 18, 18 × 5 = 52 आएगा, तो 9 × 3 = 70, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 5 अगर हम कर दें यहाँ पे 5, 9 × 5 = 45, कितना बचेगा 7, 2 उतारेंगे तो हो जाएगा 72, 9 × 8 = 72, यानी 258, तो 258 यहाँ से ऑप्शन सी में आपको आते हुए नज़र आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। 575 को भाग करना है 3+2 से, तो हम चूंकि छोटा ब्रैकेट लगा तो हम जोड़ लेंगे, तो यह आ जाएगा 575/5। अब हम इसको 5 से कर देंगे भाग, यानी 575/5/5, तो 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 15, यानी 113 बनता हुआ नज़र आ जाएगा, सॉरी 25 बनेगा, फिर से थोड़ा गड़बड़ हो गई है, 575/5 बनेगा, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 25, तो ये बनेगा 115, तो यहाँ से 115 हो जाएगा। 11:20 अपराह्न का समय 3 घंटे बाद क्या होगा, अब आप यहाँ से देखें 40 मिनट के बाद 12 बज जाएगा, ठीक। अब चूंकि यहाँ पर हमारे 3 घंटे व्यतीत करने थे, उसमें से 40 मिनट तो निकल गए, अब हमारे पास 2 घंटे 20 मिनट का समय बचा, तो इसका मतलब 1 और 2, तो इसका मतलब 2 घंटे 20 मिनट, यानी 2:20 उस समय 3 घंटे बाद हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा अच्छा है कि 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1 · का सम संख्यक पदों का मान क्या होगा। देखिए सम यहाँ पर यानी दो पदिये लो, तो इसका मतलब मैं कोई भी पहले सम पद मान लिया 1 − 1
प्लस वन माइनस वन। सम पद ले लिए चार हैं, इन दोनों का जोड़ जीरो आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ जीरो है। तो यानी सम पदों का अगर हम योग निकालेंगे तो कितना आएगा, जीरो, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस से मिलकर के जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा, ऐसे प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना रहती है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, एक बाग में 121 वृक्ष लगे हुए हैं, बाग में कुल वृक्षों की उतनी ही पंक्ति हैं जितने प्रत्येक पंक्ति में वृक्ष हैं, तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो मतलब आप अगर ऐसे मान लीजिए ये पंक्तियां हैं आपके ऐसे, तो जितनी पंक्तियां हैं उतने ही आपके इनमें वृक्ष लगाए गए। तो इसका ये मतलब होता है कि आप 121 यानी वृक्ष इनमें कुल वृक्षों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो इनका हम ले लेते हैं अंडर रूट, इसको बोलते हैं वर्गमूल। और ये वर्गमूल किसका होता है, 11 का, 11 ग्रहियम 121, तो कुल मिला के यहाँ से आंसर आ जाएगा 11। हालांकि मुझे पता है कि आप लोगों को वर्गमूल नहीं पढ़ाया गया, लेकिन आपको अगर अच्छी तैयारी करनी तो उसके लिए वर्गमूल पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये आज के थे हमारे 35 प्रश्न। फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।